आप एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनके बारे में पहले जब वो आए थे उनका अभिवादन करते हुए मैंने कहा था कि एक जिंदा शहीद आज मंच पर बैठे हुए हैं। शहीद वही नहीं है जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसके गोली लग गई छाती में और वो चला गया, वो भी है जिसने अपनी हथेली पर अपना शीश रख के अपनी शहादत देने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, उन्हीं में से एक आदरणीय भाई मनिंदरजीत सिंह बिट्टा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं उनसे निवेदन, एक शाम चिरागों ने सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। मेरे भाइयों, मेरे से पहले पंडित मोहनलाल जी ने प्रथम राष्ट्र के ऊपर चला, वो उस समय के श्री विजय चोपड़ा जी के इस आंदोलन के, इस क्रांति के आंदोलन में काफले में जिंदा शहीद वो मंगत राम जी पाथला, जिनके काफले में उस वक्त मैं भी था, और मंगत राम पाथला जी के उस वक्त मैं विचारों को सुना करता था। पब्लिसिटी लेनी बहुत आसान है, पर पब्लिसिटी के लिए पीछे मरना मकसद हो राष्ट्र के लिए, वह बहुत मुश्किल है। आज हमें यह सोचना होगा, ये महाराणा रणजीत सिंह जी का शेरे पंजाब का देश, वो पंजाब जिनका अफगानिस्तान तक राज था, उनकी फौजों का जनरल हरि सिंह नलवा, श्याम सिंह अटारी, जत्था सिंह रामगढ़िया, बहादुरों ने जन्म लिया इस पंजाब की धरती के अंदर, हमारे साहबजादों को शहीद कर दिया इस धरती के अंदर, के शहीदों पीरों पैगम्बरों की धरती, जिनका अफगानिस्तान तक टूटी बोलती थी और आज भी अफगानिस्तान की माएं कहती हैं अपने बच्चों को, बेटा सौजा नलुआ आ गया। क्या हम उस सोच पे पैरा दे पाए? क्या हम राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां उस रास्ते पे चल पाई जब मंगत राम पाथला जी ने विजय चोपड़ा के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की थी? क्या 26,000 बेगुनाहों का खून, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए, हजारों पुलिस के जवान शहीद हुए, क्या उससे हमने कोई सबक सीखा? ये पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना होगा। हम फिर उस रास्ते पे चल पड़े, हम फिर वोट की राजनीति की तरफ चल पड़े। आज केजरीवाल जी आए हैं, बहुत इनका शुक्रिया अदा करता हूं, पर केजरीवाल साहब एक सवाल है मेरा आपके ऊपर। वो दविंदर पाल सिंह भुल्लर जिसने गुड़गांव जगराव के अंदर ट्रेनों से निकाल करके हमारे सिख भाइयों को छोड़ के हिंदू भाइयों को एक लाइन में खड़ा करके दर 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 के गोलियों से निशाना बना दिया, वो दविंदर पाल सिंह भुल्लर जिसने दिल्ली के अंदर 40 किलो आरडीएफ के साथ मेरे पे हमला किया था, 35 बेगुनाह लोग का कत्लेआम हुआ, हमारे शरीर के हिस्से चले गए, कितने साल हम केस लड़ते रहे, उस आतंकवादी के लिए 50 करोड़ बचाने के लिए वकील लेते हैं और फिर उसको बाहर निकालने के लिए, ये शहीद परिवार डिप्रेशन में है, इनका किसी को कोई फिक्र नहीं, उस आतंकवादी का सबको फिक्र आ जाता है, ये आतंकवादी डिप्रेशन में है, पहले शिमला डिस्ट्रिक्ट की बाहर निकाल लेते हैं अस्पताल के अंदर, फिर आप आते हैं, फिर आप उनको राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखते हैं फांसी नहीं होनी चाहिए, फिर दोबारा आप आते हैं, मैं मिलता भी हूं, ये खतरनाक आतंकवादी है, आप उसको छोड़ करके पंजाब में उसके घर में भेज देते हैं, फिर पंजाब में श्रोमणी अकाली दल की सरकार आपके करने के बाद कहते हम क्यों पीछे रहे, चुनाव आने वाला है और उसको प्रोल पे छोड़ देते हैं, अब हम भी छोड़ने की तैयारी पे हैं, तो कौन सी आतंकवाद की लड़ाई की बात करते हैं, कौन से आतंकवाद को समाप्त करने की बात करते हैं, जहां आतंकवाद का नाम आ जाए
जहां प्रथम राष्ट्र आ जाए, जहां वंदे मातरम आ जाए, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, प्रथम राष्ट्र, उन आतंकवादियों के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। अगर वोट और सत्ता की खातर हम मौके के ऊपर आतंकवादियों की मदद करते रहेंगे तो उन शहीदों का बहुत बड़ा अपमान होगा। तो सबने बोलना है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आपसे पहले की तरफ फिर वादा करके जाता हूं, कुर्सी सत्ता की तरफ नहीं कभी जाऊंगा, ये वादा है मेरा आपसे। मौत से दोस्ती है, राष्ट्र के लिए जब आएंगे गर्व से शहीद होंगे। वंदे मातरम, जय हिंद। के आए हुए सभी मेहमानों का, उन परिवारों का जो इस राशि को लेने आए हैं, आभार व्यक्त करना है। धन्यवाद प्रस्ताव जालंधर के पूर्व मेयर और भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के महासचिव भाई राकेश राठौर जी धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे। वोट ऑफ थैंक्स, सबका आभार व्यक्त करेंगे।